मैथिली तजीम फिर से आ गया एक नए पार्ट के साथ। और जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि आज का जो टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है, आप सबको पता है, सबको पता है, सबको बताया गया था। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रॉपर्टीज इन इंटीजर्स। ये होने वाला है ना, ये बताया था। तो प्रॉपर्टीज इन इंटीजर, तो आज हम इंटीजर में जो जो प्रॉपर्टी यूज होती है, जो जो प्रॉपर्टी हमारी काम की होती है, वो पढ़ने वाला है। तो बेसिकली तीन प्रॉपर्टी होती है इसमें, तीन प्रॉपर्टी फॉर एवरी ऑपरेशन होता है। लाइक एडिशन के लिए तीन प्रॉपर्टी होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए तीन होगी, मल्टीप्लीकेशन के लिए तीन होगी और डिविजन के लिए तीन होगी। तीनों का नाम सेम होगा बट तीनों का काम जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा। सो टेंशन वाली बात कोई नहीं है इसमें, है ना। सो पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, कम्यूटेटिव। सेकंड क्या होने वाला है स्टूडेंट, एसोसिएटिव। ओके, सेकंड होने वाला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं थी सो फिर से लिख देता हूं मैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव और थर्ड होने वाला है एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड होने वाला है तीन, ये तीन प्रॉपर्टी आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि क्या होता है कम्यूटेटिव। मान लीजिए कि आप क्लास में हैं अपनी और आपके पास दो पेन है आपके पास और आपको कुछ कोई फिगर बनाने में या कोई कुछ चीज करने में आपको तीन पेन की रिक्वायरमेंट और है। तो दो पेन है आप पर और तीन पेन की और रिक्वायरमेंट है। मान लो कि तीन पेन आपने अपने फ्रेंड से मांगी है, तो दो थे आप पर, आपने तीन मांगी है। ओके, सो टोटल पांच पेन की रिक्वायरमेंट थी और पांच पेन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि आप पर थ्री पेन्स थे आप पर और आपको फाइव पेन्स की रिक्वायरमेंट है। सो थ्री पेन्स थे, आपने टू पेन्स किसी से क्या किए, मांगे कि भाई मुझे दो पेन और दे दे, मेरा काम हो जाएगा, मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो आपने दो पेन और ले लिया अपने फ्रेंड से, तो फाइनली आपके पास फाइव पेन हो गए। बात क्या समझ में आई यहां से स्टूडेंट, देखिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका आप जिन भी नंबर को ऐड कर रहे होते हैं, जिन भी नंबर को आप ऐड कर रहे होते हैं उसके अगर ऑर्डर पर, उसका ऑर्डर अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके एडिशन पर, जो उसके आंसर है उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैंने बताया आपको कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, या हम कह देते हैं कि फाइव प्लस टू है। आप पर पांच कॉइन थे, आपको एक टॉय खरीदने के लिए या एक क्या कहते हैं क्रिकेट बॉल खरीदने के लिए ₹7 चाहिए, ₹5 है आप पर, तो आपने ₹2 और लिए किसी से, तो आप पर टोटल ₹7 हो गए। आप सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि आप पर ₹2 थे बट बॉल कितने की आएगी, ₹7 की आएगी। कितने की जरूरत है आपको, ₹5 आपने किसी से उधार ले लिए या आपने बोरो कर लिए या आपने अपने फ्रेंड से ले लिए ₹5, तो आपके पास टोटल ₹7 हो गए। तो आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ₹7 यानी कि टोटल 7 करने के लिए मैंने पहले 5 प्लस 2 करा था,
तब 7 हो गया था। सेकंड केस में मैंने क्या किया कि मेरे पे 2 रुपए ही थे, मैंने 5 किसी से लिए। तो आप देख रहे हैं कि एडिशन, दो नंबर का हम एडिशन कर रहे हैं, दो नंबर का एडिशन कर रहे हैं, बट पहले केस में क्या है कि 5 + 2 है, इनका ऑर्डर ये है। सेकंड केस में क्या है, 2 + 5 है, ऑर्डर इंटरचेंज किया है हमने, ऑर्डर हमने इंटरचेंज किया है, बट क्या हुआ कि आंसर पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, आंसर पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करते हैं और उनके ऑर्डर को हम चेंज भी कर देते हैं तो उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका जो एडिशन होने वाला है वो फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। सो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम काम करेगी, देख लेते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेम काम करेगी, क्या कहते हैं हम कि हम दो नंबर को ऐड करने पर उनका अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसके एडिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम करके देख लेते हैं। एडिशन में हम पे क्या था, पहले हम पे 5 + 2 था ना, हम 5 - 2 कर लेते हैं पहले, 5 - 2 कर लेते हैं पहले, तो कितना आंसर आ गया, 5 - 2 = 3, 5 - 2 = 3, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूं, इन दो नंबर को जैसे मैं एडिशन में इनका ऑर्डर चेंज कर दे रहा था, अभी मैं सब्ट्रैक्शन में इन दोनों का ऑर्डर चेंज करता हूं, 2 - 5, 2 - 5, सो 2 - 5 + - - 5 - 2 = 3, और साइन कौन सा होगा, बड़े वाले नंबर का साइन होगा, सो -3। तो आप देख रहे हो, क्लियरली आप देख पा रहे हो क्या यहां पर आंसर सेम आया है, क्या यहां पर आंसर सेम आया, नहीं आया। यहां पे पहले केस में क्या आया था कि 3 आया था, सेकंड केस में क्या आया, -3 आया। सो यहां पर आंसर क्लियर, मतलब क्या है कि सेम नहीं आया है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें आंसर आपका क्या हो जा रहा है, उसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, जैसे ही मैं ऑर्डर चेंज करता हूं वैसे ही हमारा आंसर भी चेंज हो जा रहा है, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है, वैलिड है। क्यों, क्योंकि उसमें अगर मैं अपना ऑर्डर चेंज कर दे रहा हूं नंबर्स का तो हमारा आंसर सेम हो जा रहा है, बात समझ में आई। सो ये पहली प्रॉपर्टी थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड पे बढ़ते हैं, अगर हम सेकंड मैंने क्या बताया था, बोलो बोलो जल्दी बोलो, सेकंड क्या बताया था, सेकंड बताया था एसोसिएटिव, याद है, सेकंड बताया था एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर से भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, आपको एक कार खरीदने के लिए या आपको एक क्रिकेट बैट खरीदने के लिए मान लेते हैं 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, एक क्रिकेट बैट खरीदने के लिए आपको 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। सो आप पे 10 रुपीज है भी, आपको और 90 रुपए चाहिए, तो 90 आप कैसे ले लेते हैं, आप एक फ्रेंड है, फ्रेंड वन, उससे आप 50 रुपीज ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक फ्रेंड है आपका, फ्रेंड टू, उससे आप 40 ले लेते हैं। तो ये दोनों फ्रेंड क्या करते हैं, ये दोनों फ्रेंड क्या करते हैं, ये आपस में दोनों पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों पैसे कलेक्ट कर लेते हैं, तो 50 + 40 ये 90 रुपए अपना, 90 रुपए अपना कलेक्ट कर करके आपको दे देते हैं, आपको दे देते हैं। तो कैसे इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, 10 आपका इंडिविजुअल 10 प्लस कितने रुपए मिले आपको, 50 + 40, उन दोनों ने आपको 50 + 40 करके दोनों ने ऐड करके, दोनों ने पूरे 90 रुपए करके आपको दे दिए, ताकि आप पर 100 रुपीज हो जाए और आप अपना क्रिकेट बैट खरीद लें। तो क्या हुआ कि पहले केस में क्या हुआ कि आप पे 10 रुपीज थे
आपके जो दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने 50 प्लस 40 करके आपको 90 रुपए दिए और आपका क्रिकेट बैट आ गया। सेकंड केस में मैं अभी से रफ कर दे रहा हूं, आपको जरूरत पड़ेगा तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे और हो सकता है तो अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं ये सिनेरियो यही है, सिनेरियो यही है, सिचुएशन यही है। उस केस में आप क्या है कि आप पर 10 रुपीज थे, पहले आपने अपने फ्रेंड से 50 रुपए लिए, एक फ्रेंड आया उससे आपने 50 रुपए ले लिए, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा कि 10 प्लस 50 ओके, आपने इकट्ठा कर लिया। अब देख रहे हो यार हमें तो 100 रुपीज चाहिए थे बट हमें तो 60 हुए, अभी 40 और चाहिए। आपने क्या किया, दोनों ने एक फ्रेंड को और ढूंढा कि भाई हमें 40 रुपीज की जरूरत है 100 रुपए करने में ताकि हमारा एक क्रिकेट बैट आ जाए। तो उसने क्या किया, उसने आपको 40 रुपीज दे दिए, उसने आपको 40 रुपीज दे दिए, इस तरह से आपके 100 रुपीज हो गए, 100 रुपीज हुए तो आपका एक क्रिकेट बैट आ गया। तो दोनों में आपने क्या नोटिस किया, दोनों चीजों में क्या नोटिस किया, देखिए पहले केस में था कि आप पर इंडिविजुअली 10 रुपए थे, आप अपने दो फ्रेंड के पास गए, उन्होंने दोनों ने पैसे कलेक्ट करे और आपको दे दिए, सो 90 प्लस 10 इज 100। सेकेंड केस में क्या था कि आप पर 10 रुपए थे, पहले आप एक फ्रेंड के पास गए तो आपको वहां से 50 रुपए मिल गए, अब आप दोनों मिलकर के एक तीसरे फ्रेंड के पास गए जिसने आपको 40 रुपीज दे दिए। तो दोनों केस में क्या देख रहे हो आप, दोनों केस में क्या देख रहे हो कि ऑर्डर देखो चेंज हुआ है, पहले हमने दो नंबर्स, ये वाले दो नंबर्स पहले एक जगह ग्रुप किए थे, पहले दोनों को एक साथ रखा था तो तब भी मेरा आंसर 100 आया है। सेकंड केस में पहले पहल के दो नंबर को मैंने ग्रुप किया है, पहल के दोनों नंबर को ग्रुप किया है और एक जो थर्ड वाला नंबर है वो इंडिविजुअल है तो तब भी मेरा आंसर सेम आया है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका अगर आपकी ग्रुपिंग चेंज होती है एडिशन करने में, नंबर को एड करने में अगर आपका ग्रुपिंग चेंज होता है तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, 50 प्लस 40 90 90 प्लस 10 इज 100। यहां पे देखते हैं 10 प्लस 50 60 60 प्लस 40 100। तो दोनों केस में क्या हुआ, 100 आंसर आया ना, दोनों केसों में 100 आंसर आया। सो क्या कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज वैलिड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज वैलिड, क्यों, क्योंकि हमारा क्या हुआ कि ग्रुपिंग हमारी इंटरचेंज हुई है ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, किस पे, आंसर पर। आंसर अगर हमारा सेम नहीं आता तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज नॉट वैलिड होता, बट अभी वैलिड है, क्यों, क्योंकि आंसर मेरा सेम है जबकि मेरा ग्रुपिंग चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या था, ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेम अगर बात कर ले किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, सेम हो जाएगा जैसे मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको बताया वैसे ही क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम हो जाएगा। खैर सब्ट्रैक्शन की भी बात नहीं करते, सब्ट्रैक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और बाकी आप अपने से ट्राई करें, आप क्या करें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया कैसे होता है, तो आप क्या करें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको एडिशन के लिए बताया कि वैलिड है, अब आप खुद ट्राई करें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है या नहीं है, और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर वैलिड है या नहीं है। ओके थर्ड पे हम चलते हैं, थर्ड क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आप जैसे किसी भी एक नंबर में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लेट से कि 5 5 प्लस 0 करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है 5। 5 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 5 ही मिलता है,
हम 10 में एक जीरो ऐड करते हैं तब भी 10 मिलता है ना। ऐसे ही हम कितने भी नंबर ले लें, हम ले लें 101 में अगर जीरो ऐड करते हैं तब भी मेरे को 101 होता है, ठीक है। तो क्या पता चलता है इससे कि हम किसी भी एक इंटीजर में कोई भी एक इंटीजर ले लो, -5 ले लो, प्लस जीरो कर देते हैं तो -5 ही आंसर आएगा, है ना। 7 ले लो, 7 प्लस जीरो कर लो, 7 ही आंसर आएगा। तो किसी भी एक इंटीजर नंबर में अगर मैं जीरो ऐड करता हूं तो मुझे एक इंटीजर ही नंबर मिलता है। -5 प्लस जीरो करा तब भी -5 मिला, 7 प्लस जीरो करा तब भी 7 मिला। क्या पता चला है कि किसी भी इंटीजर में मैं अगर जीरो ऐड करता हूं तो मुझे एक इंटीजर नंबर ही मिलता है। तो इस केस में जो इस केस में जीरो है उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। कोई भी एक ऐसा नंबर जो हमें, मतलब कि मैंने -5 में जीरो ऐड किया तो -5 ही मिला ना मुझे, इंटीजर में कुछ ऐड करने पर इंटीजर ही मिला, तो उस एडिशन वाले नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो ऐसा कोई नंबर जीरो ही हो सकता है, क्योंकि अगर मैं -5 में +2 ऐड करूंगा, -5 में +2 ऐड करूंगा तो यहां -3 होगा तो इंटीजर, बट सेम है क्या? सेम है नहीं है ना। सो जीरो, इस केस में जो जीरो होगा वो ही कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? मतलब एक इंटीजर नंबर में मैंने जीरो ऐड करा और इंटीजर नंबर ही मुझे मिल गया, तो इसी जीरो को हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। बात क्लियर है ठीक है ना। ओके, सो ये था प्रॉपर्टी इन इंटीजर फॉर एडिशन, प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर इन एडिशन। ऐसे ही हम माइनस का सब्ट्रैक्शन का पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन का पढ़ने वाले हैं, और ऐसे ही हम डिवीजन का पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस लेक्चर और इस पार्ट के लिए कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक जो है इंटीजर्स का, वो हमने पढ़ा है और बहुत हद तक आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कहां पर आपको डिफिकल्टी आ रही है समझने में, तो मैं जल्द से जल्द उस चीज को फिक्स करने की और ठीक करने की कोशिश करूंगा। और आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज पे बढ़ने वाले हैं, अभी क्योंकि आपको बेसिक पता चल गया है, इंटीजर का आपको बेसिक पता चल गया है तो आप इतने कैपेबल हो गए हैं अभी कि आप एक्सरसाइज पे मूव कर सके। सो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे इंटीजर्स के, उसमें एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई हमने अगर कुछ पढ़ा है लास्ट में तो उसका हमें फायदा हो रहा है या नहीं, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं, हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या नहीं, है ना। सो जो एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और कोई वीडियो आपसे रह ना पाए, कोई छूट ना पाए कोई वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।